What is going on everyone? तो सबसे पहले तो thank you so much for the last video. आप लोगों ने इतने comments करे हैं, that's I think it's over 1,000 comments. तो अब मुझे पता चल गया है कि यू लाइक मी टॉकिंग. आप लोगों को पसंद है जब मैं बात करता हूँ अपने पास के बारे में, कैसे मैं मेरी जो जर्नी रही है, क्या मेरे फ्यूचर के प्लान्स हैं. सो यू नो वॉट, आई विल मेक मोर कॉन्टेंट जस्ट टॉकिंग, सो दैट मे बी आप लोगों को उससे मेरे बारे में और पता चले, आप लोगों को और मोटिवेशन मिले कि हाउ नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. एंड आप अपने क्लियर गोल्स रखोगे तो आपको जो चाहिए वो आपको ज़रूर 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 मिलेगा. आई जेन्युइनली फील कि आई एम वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ लॉट ऑफ मोस्ट एथलीट्स, स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट रहा है. मैंने पूरी अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है, पूरा मैंने जॉब किया है, उसके साथ साथ मैंने यहाँ तक पहुँचा हूँ. सो आई फील आई एम वेरी डिफरेंट, स्पेशली लिविंग इन अ डिफरेंट कंट्री बाय मायसेल्फ, नो फैमिली, नो फ्रेंड्स. तो आई होप कि जो लोग मेरी तरह हैं या जो मेरी तरह कुछ करना चाहते हैं उनको ये चीज़ हेल्प करे. टॉपिक फॉर दिस वीडियो इज कौन सी कंट्री को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ. मेरे इंस्टाग्राम, मेरे YouTube पे हेटरेट के कमेंट्स एंड लव के कमेंट्स दोनों बहुत हैं, बट जितने भी हेट के कमेंट्स आते हैं इसमें एक चीज़ बहुत कॉमन है, भाई तू तो कनाडा का है, तू तो कनाडा को रिप्रेजेंट करता है, तू इंडिया कहाँ से हुआ. लिटरली फॉर द लास्ट 4 years जब से लोगों को मेरे बारे में पता चला है उनको मेरे अगेंस्ट यही चीज़ है. सबसे पहले जुनैद कालेवाला ने ये चीज़ मेरे अगेंस्ट यूज़ करी थी 2017 में, जब वो फर्स्ट इंडियन IFBB प्रो था, इवन दो ही टर्न प्रो 2 weeks आफ्टर मी, बट क्योंकि वो इंडिया को उसने लिखा हुआ था, ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन और मेरे को कोई जानता नहीं था, तो आई बिकेम whatever, nobody knew me. जब तक कि मैं ओलंपिया में क्वालिफाई नहीं किया था, लोगों ज़्यादा लोगों को तो मेरे बारे में पता भी नहीं था, और जिनको पता था they never even bothered to follow me. तो ये वीडियो आज मैं उसके लिए बनाऊंगा. आई होप कि आप लोग इससे कुछ सीखो और आपको थोड़ा बहुत पता चले अबाउट दिस इंडस्ट्री. नंबर वन थिंग, आई डू नॉट रिप्रेजेंट एनी कंट्री. मैं ना इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, ना कैनेडा को रिप्रेजेंट करता हूँ, और मैं कभी करूँगा भी नहीं. क्यों? क्योंकि ये स्पोर्ट ही वो नहीं है. ये कोई क्रिकेट नहीं है कि आप इंडिया के लिए खेलते हो या इन कनाडा के लिए खेलते हो. ये कोई ओलंपिक्स नहीं है कि आप मेडल्स जो लेकर आ रहे हो वो अपनी कंट्री के लिए ला रहे हो. नहीं. क्यों नहीं? जब ओलंपिक्स आप खेलते हो, कंट्री को जब आप उस लेवल तक पहुंचते हो, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हो, आपकी स्पोर्ट्स एकेडमी का खर्चा गवर्नमेंट देती है. आप जब जीतते हो आपको पुरस्कार मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से. आप एज अ टीम जाते हो फॉर द होल कंट्री. यहाँ पे एक कुछ ऐसा नहीं होता. बॉडी बिल्डिंग इज अंडर IFBB, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग, विच इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कनाडा से आ रहे हो, जापान से आ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, वो US बेस्ड है और वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है. सो कोई भी आदमी किसी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करता. ये इंडिया में लोग यूज करते हैं उन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जिनको ये चीज पता नहीं है कि भाई इंडिया के लिए गोल्ड लेकर आऊंगा, मैं इंडिया के लिए सिल्वर मेडल लेकर आऊंगा, मैं इंडिया के लिए खेलता हूं, ये कोई और कंट्री के लिए खेलता है, मैं इंडिया का हूं, मैं तो इंडियन के लिए नहीं. इंडिया की गवर्नमेंट आपको क्या देती है? इंडिया की गवर्नमेंट तो बॉडी बिल्डिंग को IFBB को रिकग्नाइज भी नहीं करती है. अगर मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करके ओलंपिया जीत जाता हूं, आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे कुछ देगी? कुछ नहीं देगी. उसको पता भी नहीं चलेगा, उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, कोई अवार्ड भी नहीं मिलेगा, कोई प्राइज भी नहीं मिलेगा. नोबडी केयर्स. इट्स अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. आप अपनी स्पॉन्सरशिप्स को खुद जाते हो, अपनी स्पॉन्सरशिप्स के लिए, अपने पैसे के लिए, सब अपना खर्चा खुद करते हो. सो दैट्स द नंबर वन थिंग. नंबर टू, कि मैंने जब कम्पीट करना शुरू किया था, मैं यहाँ पे काम कर रहा था ऑन अ वर्क परमिट. तो पहला शो जो मैंने किया था, लोकल शो, वो वर्क परमिट पे मैंने कम्पीट किया एंड आई वॉज अलाउड टू. बट जब यहाँ पे मैं क्वालिफाई हो गया प्रोविंशियल्स के लिए, अगेन आई कुड कम्पीट एज अ वर्क परमिट. बट 2016 में मैंने नेशनल्स यहाँ पे प्रो कार्ड के लिए इसलिए नहीं खेला था, ये इसलिए नहीं गया था क्योंकि आई कुडंट क्वालिफाई. मेरे को परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए थी इन ऑर्डर टू कम्पीट फॉर अ प्रो कार्ड, जो मेरे पास नहीं थी 2016 में. तो ये लोगों को, किसी को भी ये चीज नहीं पता कि मैंने 2016 में मैंने क्यों नहीं अपना प्रो कार्ड जीता. जिसके जो सेकंड आया था मेरी क्लास में, वो 2 महीने बाद प्रो कार्ड जीता था इन कैनेडियन नेशनल्स, बट आई डिडंट इवन कम्पीट. ये नहीं था कि मैं कम्पीट करना नहीं चाहता था, मुझे पता था मैं जीत जाऊंगा, बट मेरे पास आई कुडंट क्योंकि मेरे पास परमानेंट रेजिडेंसी नहीं थी. सो आई वेटेड फॉर अ ईयर. 2017 में जब मुझे परमानेंट रेजिडेंसी मिली कैनेडा की, तब मैंने वो कम्पीट किया. क्यों मैंने कम्पीट किया? क्योंकि उस समय भी मैं काम कर रहा था. मैं एक छोड़ के मैं इंडिया जाके कम्पीट नहीं कर सकता था.
कि अपना काम छोड़ दूं, मैं 2 हफ्ते के लिए अपना पीक वीक के बाद अपना इंडिया जाऊं, वहां पे अपना प्रो कार्ड के लिए कम्पीट करूं, क्यों? इट डजंट मैटर, मैं यहां करूं वहां करूं, इट्स ऑल द सेम थिंग, राइट? तो ये मेरा माइंडसेट था उस समय. नाउ ओलंपिया के लिए जब मैं क्वालिफाई हो गया, और जितने भी आप लोग की जो लिस्ट देखते हो मेंस फिजिक की जो लिस्ट आती है जिसके अंदर कंट्री का नाम लिखा होता है, नंबर वन थिंग वो जो कंट्री होती है, दैट कंट्री इज वेयर यू लिव, नॉट व्हाट यू रिप्रेजेंट. किसी को ये चीज पता नहीं है, बट हर कोई एक दूसरे को ये बेवकूफ बनाता रहता है इंडिया के अंदर, स्पेशली जो एथलीट्स है. मैं कॉमेंट नहीं करूंगा कौन से एथलीट है, आप लोग समझदार हो, आपको पता है. इंडिया के लिए गोल्ड, इंडिया के लिए गोल्ड, अरे यार कौन सा गोल्ड? लास्ट तक तुम इंडिया की कंट्री के और अपना बदनामी कर रहे हो बार बार ये बोल के सबको कि मैं इंडिया के लिए खेलता हूं, इंडिया के लिए खेलता हूं. ऐसे नहीं चलता है. द स्पोर्ट इज प्राइवेट, दस यू प्ले फॉर योर सेल्फ, इंडिविजुअल स्पोर्ट है. आप कोई रिप्रेजेंट नहीं करते, किसी कंट्री को फर्क नहीं पड़ता, आप जियो मरो जीतो हारो, नो कंट्री गिव्स अ फक, इट्स अ फैक्ट फॉर मी. बट अब क्या हो गया है, बिकॉज आई गो, मैंने इंडिया में लास्ट ईयर में 3 महीने रहा, उससे एक साल पहले मैं 4 महीने रहा, और अब IFBB के रूल ऐसे हो गए हैं इस साल से 2020 के ओलंपिया से, उन्होंने रूल्स ऐसे कर दिए हैं कि आप अपनी कंट्री को चेंज कर सकते हो. मीनिंग कि अभी तक क्या होता था, जब मैंने अभी दो पिछले साल ओलंपिया खेला था, उसमें मेरी जो कंट्री का नाम था, मैं कहाँ रह रहा हूँ, दैट्स वॉट इट शोड. तो ऑब्वियसली कैनेडा में रह रहा हूँ मैं, कैनेडा से पैसे भरता हूँ उनके, जब मैं बैंक IFBB के $300 की फीस होती है एवरी ईयर, वो जब मैं भरता हूँ वो मेरे कैनेडियन बैंक अकाउंट से जाते हैं. जो एड्रेस है वहाँ पे वो कैनेडा का है. प्रो कार्ड कहाँ जीता? कैनेडा कंट्री के अंदर जीता. वो सारे फैक्टर्स को लेके वो कैनेडा दिखते हैं. बट अब उन्होंने ये रूल कर दिया है कि यू कैन चेंज द कंट्री व्हेन यू गो टू ओलंपिया. फॉर एग्जाम्पल ऑनरे ड्यू यूके में रहता है, यूके की सिटीजनशिप है, सब कुछ यूके का है, राइट? उसने जैसे ही वो क्वालिफाई किया ओलंपिया में लास्ट नवंबर, अपना रोमेनिया प्रो शो जीत के, उसने अपनी कंट्री को चेंज कर दिया रोमेनिया. क्यों? क्योंकि वो लिख सकता है अब IFBB के रूल्स में कि आप चेंज कर सकते हो. एक और है जो 6th आया था ओलंपिया लास्ट ईयर, कार्लोस डी ओलिवेरा कैकी, ब्राजील का है वो यूएस में मैसाचुसेट्स में रहता है, उसकी कंट्री हमेशा से यूएस लिखी हुई आती है, आप उसको देख सकते हो. बट इस साल उसने अपने यूएस को चेंज करके ब्राजील लिख दिया. क्यों? सेम थिंग, ब्राजील में भी वो है जो इंडिया में होता है. लोगों को लगता है ब्राजील को तो आप रिप्रेजेंट करते नहीं हो, आप तो यूएस को रिप्रेजेंट करते हो. नहीं, तो अब क्या हो रहा है, अब वो आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप अपनी कंट्री को चेंज कर दो, आपको जो लिखना है लिख दो. अगर आप इंडिया से आए हो, अगर आपने इंडिया में रहे हो पहले अपने, तो आप इंडिया कर सकते हो, आप रोमेनिया में पहले रहे हो तो कर सकते हो. तो अब जब मैं क्वालिफाई करूंगा, लेट मी बी वेरी क्लियर, ये मैं वीडियो छोटी बनाना चाहता हूं, लेट मी बी वेरी क्लियर, इस साल जब मैं ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करूंगा, मेरी कंट्री को मैं चेंज कर दूंगा बाय सेंडिंग एन एप्लीकेशन टू IFBB कि देखो मैं इंडिया से आया हूं और मुझे इंडिया का कंट्री लिखनी है कि मैं इंडिया में रहता हूं, तो आप वो वाली कंट्री लिखो. सो दे हैव गिवन एन ऑप्शन नाउ, अभी तक नहीं था. होता तो मैं क्यों लिखता, मुझे आप ये बताओ, जो लोग ये देख रहे हैं, जो मुझे हेट करते हैं, और अगर नहीं करते आप और लोगों को शेयर करो, मुझे कोई शौक है कैनेडा लिखने का. मैं हर चीज में इंडिया लिखता हूं, मेरी पूरी प्रोफाइल में मैंने इंडिया डाला हुआ है. मेरी वजह से पूरे इंडियन बॉडी बिल्डिंग को वर्ल्ड ओवर जानते हैं. आपको लगता है कि जेरेमी पॉटविन, चे सवोय, कैकी, आंड्रे फर्ग्यूसन, रेमोंड, आपको लगता है ये किसी को भी फॉलो करते हैं, किसी भी इंडियन एथलीट को? आप खुद देख लो जाके, जितने भी बड़े टॉप के मेंस फिजिक एथलीट हैं मुझे फॉलो करते हैं. क्यों? मैंने इंडियन बॉडी बिल्डिंग को एक ऐसे मुकाम पे लेकर आया हूं लास्ट ईयर, और ये मैं शो ऑफ नहीं कर रहा, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, आप मेरी प्रोफाइल पर जाके देखो कि कौन मुझे फॉलो करता है. सारे टॉप मेंस फिजिक एथलीट्स मुझे फॉलो करते हैं क्योंकि मैंने उनको बीट किया है, या फिर मैं उनका कॉम्पिटिशन हूं अब लास्ट ईयर की वजह से. किसी और इंडियन एथलीट को वो फॉलो नहीं करते हैं. क्यों करेंगे? सो यही मैं समझाना चाह रहा हूं, मुझे कोई शौक नहीं है कैनेडा लिखने का, बट मैं यहां रहता हूं तो आई हैव टू सेंड एन एप्लीकेशन फ्रॉम कैनेडा. तो अभी तक कैनेडा आ रहा था, अभी भी कैनेडा ही आएगा, बट जैसे ही मैं क्वालिफाई करूंगा मैं एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दूंगा IFBB को कि वो चेंज कर दें. और जैसे ऑन्ड्रे ड्यू ने, जैसे कार्लोस डी ओलिवेरा ने चेंज किया है, वैसे मेरा भी चेंज हो जाएगा. तो जिन लोगों को मेरे से इतनी प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम खत्म. बट मैं आप लोगों को एक क्लियर फैक्ट बताता हूं, ये स्पोर्ट में कोई कंट्री रिप्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि कंट्री आपके लिए कुछ नहीं करती है. सो जस्ट नो दैट. आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को वो क्लियर कर दे. एंड दूसरी चीज मैं आपको इसमें भी बताना चाहूंगा कि चाहे आप प्रो कार्ड इंडिया से जीतो, चाहे आप प्रो कार्ड बाहर से जीतो, कहीं से भी जीतो, हर जगह थोड़ा यू विल
उतनी ही आपको उतना ही कंपटीशन मिलेगा जाके। और इंडिया में ज्यादा एथलीट्स कंपीट करते हैं, प्रो कार्ड दो हर कैटेगरी में दो मिलते हैं, राइट। यहां पे सिर्फ एक ओवरऑल को प्रो कार्ड मिलता है, सो आप अपनी क्लास को जीतोगे और फिर ओवरऑल जो जीतता है सिर्फ उसको प्रो कार्ड मिलता है। तो कंपटीशन चाहे कहीं कहीं भी कंपीट करो, इट्स जस्ट एज सेम। तो आई होप कि ये वीडियो वो चीज क्लियर करती है। ये मुझे इतने टाइम से ये चीज मुझे चुभती थी, बट मैं कुछ बोलता नहीं था क्योंकि मैं जानता हूं लोगों को समझ में आएगी नहीं। मैं कितना भी एक्सप्लेन कर लूं, अभी भी इस वीडियो के बाद लोगों को समझ में आने वाला नहीं है, बट जो समझदार है उनको ये चीज समझ में आ जाएगी कि ना मुझे इंडिया ने कुछ दिया ना मुझे कनाडा ने कुछ नहीं दिया, सिर्फ मैंने अपने अपने लिए मैं ओलंपिया पहुंचा हूं, अपने लोगों के लिए जो आप लोग हो उनको रिप्रेजेंट करता हूं, मैं इंडियंस को रिप्रेजेंट करता हूं, चाहे कंट्री कुछ भी लिखी हुआ है। क्यों? क्योंकि इंडिया मैं क्या हूं, इंडियन, कहां पैदा हुआ, कहां पला बड़ा, क्या एथनीसिटी है मेरी, किसकी वजह से लोग जानते हैं इंडियन बॉडी बिल्डिंग को, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। बट वो सब पास में था, फ्यूचर में जिन लोगों को मेरे से प्रॉब्लम थी वो गोल्ड फॉर इंडिया, अब वो गोल्ड फॉर इंडिया इंडिया ही आएगा क्योंकि मेरी कंट्री इंडिया ही लिखी हुई आएगी ओलंपिया में जब मैं नेक्स्ट टाइम क्वालिफाई करूंगा। ये मेरी स्टेटमेंट है, जिन लोगों को भी प्रॉब्लम थी, डन। सो आई होप दिस हेल्प्स। अगेन कॉमेंट सब्सक्राइब एंड नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक इट ऑन स्पॉन्सरशिप्स, हाउ टू गेट स्पॉन्सर्ड। मैं फुली स्पॉन्सर्ड एथलीट हूँ एंड दैट्स माई मेन सोर्स ऑफ इनकम, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे अपने आपको स्पॉन्सर कर, कैसे आप स्पॉन्सरशिप्स ले सकते हो एंड यू कैन लिव अ फुल एथलीट लाइफ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वन।